देखें, डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायमंड वैसे हम कहते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये मेटल तक को काट सकता है। इसके बरक्स जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होता है, ग्रीसी टू टच होता है। डायमंड जो है वो नेचुरल ऑकर होता है, ग्रेफाइट जो है वो नेचुरल भी होता है आर्टिफिशियल भी होता है। अब नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो डायमंड की होती है 3.5। अच्छा, जाहिर सी बात है हम मेटल्स की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल यार के मेटल्स की अगर बात करें तो ऑस्मियम की होती है जो कि 27 होती है, लेकिन जाहिर है नॉन मेटल्स के लिहाज से डायमंड की बहुत हाई होती है। और ग्रेफाइट की जो डेंसिटी है वो 2.3 है। डायमंड जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.45। देखो ग्रेफाइट का कलर ब्लैक होता है और ओपेक उसको कहते हैं जो ट्रांसपेरेंट ना हो, और जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका नहीं है। डायमंड जो है नॉन कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट जो है बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। डायमंड जो है वो बर्न्स होता है एयर पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ग्रेफाइट 700 से 800 डिग्री भी दे देता है। डायमंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल बनाता है। डायमंड जो होता है इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, ग्रेफाइट ऑर्डिनरी सॉल्वेंट में तो इनसॉल्युबल होता है लेकिन अगर कोई खास सॉल्वेंट हो तो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। एग्जाम में आया था विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। ऑप्शन ए था डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड डल मेटालिक लस्टर सॉफ्ट एंड ग्रीजी टू फील्ड यूज्ड एज लुब्रिकेंट। डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड डल मेटालिक लस्टर सॉफ्ट एंड ग्रीजी टू फील यूज्ड एज लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही है बात। ऑप्शन बी इस डेंसिटी इज अबाउट 2.2 ग्राम पर cm³, बिल्कुल भी इतनी डेंसिटी होती है ग्रेफाइट की। एंड लाइटर देन डायमंड, डायमंड से लाइटर डायमंड की ज़्यादा होती है। इट पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दस इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 2200 डिग्री तक होता है, यही वजह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है मॉडरेटर के तौर पर। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। जी हाँ, गुड कंडक्टर है डायमंड जबकि बैठे ग्रेफाइट गुड है और इलेक्ट्रोड्स में यूज़ होता है की प्रिपरेशन में। इट लीव ब्लैक मार्क ऑन पेपर सो इट इज़ यूज्ड इन मार्क्स है ये बेसिकली ब्लैक मार्क्स ऑन पेपर सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल, ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस शोज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। डायमंड नहीं जी, ग्रेफाइट हाँ जी, सोडियम क्लोराइड नहीं जी, स्टील। उसकी वजह देखो, ग्रेफाइट जो है अगर पैरेलल होगा तो करंट फ्लो होगा, परपेंडिकुलर होगा तो नहीं होगा। एनआइसोट्रॉपिक कहते ही उसको हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और हाँ, एनआइसोट्रॉपिक से मिलता जुलता एक आइसोट्रॉपिक, ग्रेफाइट के अलावा बाकी सारे आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का लेवल डायरेक्शन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग कुड बी यूज्ड टू मेक बेसिक बफर। तो जनाब अली, बात यहाँ पे होती है NaCl प्लस HCl प्लस NaOH, H2SO4 एक्सिस, CH3COONH, HCl प्लस एक्सिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्यों भाई? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक बफर के लिए हमें चाहिए होता है वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि ऑप्शन सी में है। डैश आर यूज फॉर ड्रिलिंग एंड बोरिंग रॉक्स बिकॉज दे आर नॉट सूटेबल एज जेम स्टोन। ऑप्शन ए ब्लैक डायमंड, ऑप्शन बी बोर्ड, ऑप्शन सी कार्बोनेटो। तो करेक्ट आंसर है डी, यानी ए बी एन सी। देखो होता क्या, डायमंड्स के अंदर ही एक होते हैं ब्लैक डायमंड, जाहिर है वो ड्रिलिंग के लिए यूज़ होंगे या बोरिंग रॉक के लिए होंगे, क्योंकि जेम स्टोन के तौर पर तो नहीं होंगे, काला हीरा कौन लेगा। ब्लैक डायमंड का ही एक नाम बोर्ड होता है, ब्लैक डायमंड का एक नाम कार्बोनेटो होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी ए बी एन सी। वेरी वेरी बड़ा अच्छा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। ऑप्शन ए इन प्योर स्टेट इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, इट डेंसिटी इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर। नॉन मेटल में याद रखो सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ कोर्स डायमंड की ही होती है। डायमंड पजेसेस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.45 ड्यू टू विच
इट एक्वायर ब्रिलियंस। जी हाँ, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमंड का ही होता है 2.45। स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी, प्योर डायमंड इज ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, हेंस एक्सरे इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इमिटेशन एंड प्योर डायमंड। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेल्ट एट 3500 डिग्री। जी हाँ, नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी किसका होता है? डायमंड का। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बाकी बहुत आए। और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीस, तो ऑफ कोर्स आंसर है ऑल ऑफ दीस। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यू से, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डी लोकलाइज पाई बॉन्ड बाय द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम। है ना, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन बाय द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन इट विच स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर ऑल कार्बन एटम्स। ये बात भी सही है जी। ऑप्शन सी, ड्यू टू डी लोकलाइज पाई बॉन्ड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स लेयर। ये बात भी सही है ना। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द थिंग्स।